पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और साथ में आपसे कहा गया है कि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, ये आपका टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल और टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है, आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि कार्य बराबर होता क्या है। देखो, कार्य बराबर आपका होता है क्षमता, जो आपकी कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, इनटू समय। ये फॉर्मूला आपको कार्य और समय वाले टॉपिक में हमेशा याद रखना है, इसी पे सब कुछ बनेगा। सबसे पहले कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो आप यहाँ साइड में लिख लिया करो कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। फिर कहता है बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी का अलग से लिख लिया करो, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। देखिए, अब आपको चाहिए कुल कार्य। कुल कार्य के लिए आप क्या किया करो, 20 और 30, यहाँ पे 20 30 है, कुछ भी हो उसका एलसीएम निकाला करो। तो 20 30 का एलसीएम क्या आया, 60। ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो हुआ टोटल काम हुआ, टोटल वर्क आपका हो गया। अब आपको क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। ये आपके दिन है। देखो, अगर समय आपको दिया है, कुल कार्य आपको दिया है, क्षमता आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, कार्य में समय का भाग कर दोगे। तो कुल मिला के इस टोटल कार्य में ए की क्षमता से अगर आप भाग कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी, समय से भाग कर दोगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ये इसकी क्षमता निकल। अब आपसे क्या पूछा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो भाई एक साथ काम करने पर उन दोनों की क्षमता क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे, तो 3 और 2 5, वो 5 की क्षमता से काम करेंगे। और आपसे पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब समय आपसे पूछा है, तो समय बराबर, आप समझ गए हो क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। और कार्य कौन कौन कर रहा है, कार्य आपका ए और बी कर रहा है, टोटल कार्य कितना है, 60 है, ए और बी मिलाकर के क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से आप भाग कर दोगे तो 12 आ जाएगा। मतलब दोनों मिलकर के 12 दिनों में इस काम को पूरा कर डालेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने बेसिक आपको पहले बताया है, ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, सारे आपके क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहते हैं ए किसी कार्य को 45 दिनों में करता है, तो बिना कुछ सोचे आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ई किसी कार्य को 45 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब एक साथ काम करते हैं, कुल मिला के आपको ये चीज पता करनी है, कुल कार्य बटे ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता। और अब जब भाग आप कर दोगे तो आपको समय पता चल जाएगा कि कितने समय में वो कार्य होगा। तो इसी पर हमको क्या करना है, पूरा फोकस करना है। तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, 45 और 60 का हमें क्या पता होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए। देखिए, 45 और 60 का एलसीएम आपको चीजें पता होनी चाहिए कि भाई 45 और 60, देखो 60 का 2 गुना अगर आप करते हो तो 120 होता है। अब 120 जो होता है 45 से नहीं कटता है। अब हम उसको आगे और बढ़ाते हैं तो 180। अब 180 देखो, अगर हम इसको 9 से काटते हैं, 9 बटा 45, इसको काटते हैं तो 20 आता है, फिर 5 से इसको कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। कुल मिला के आपको पता है 45 × 4 कितना होता है, 180 होता है। भाई 4 × 16 160 और 4 × 5 20, 180 हो गया पूरा पूरा। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। अब ये 0 0 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको कुल कार्य पता चल गया, दोनों की अलग अलग क्षमता पता चल गई, हमको एक साथ चाहिए, तो मतलब 7 से भाग कर देंगे 180 को। तो 180 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा सही बटे में आंसर आएगा, क्योंकि भाई देख रहे हो पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो 7 × 2 = 14। भाई अब बहुत, अगर आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो ऐसे कर लिया करो, 7 × 2 = 14, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, ये 5 आ गया। तो जिससे भाग करते हो, 7 से भाग किया वो तो हमेशा नीचे ही रहेगा, कितनी बार में भाग किया है, तो 25 बार में भाग किया, इसलिए 25 आपका यहाँ हो जाएगा, शेष फल आपका 5 बचा, तो 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने डेज आपको लगेंगे जब वो दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, तो आपको 25 सही 5/7 दिन का समय लग जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ए किसी कार्य को 30 दिनों में, फिर से देखो ए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। तो बी उसी कार्य को क्या करता है, 36 दिन में करता है।
सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य पूरा करें। अब देखो वही बात है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता चल जाए और यहाँ पे कुल कार्य पता चल जाए, बस भाग करके आपको समय निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो आपको यही सब कुछ पता करने के लिए सब कुछ यहाँ पे करना है। देखो 30, 36 और 45 के अगर एलसीएम की हम बात करें तो 45 का 45 दुना 90 करो, 90 तो 30 से कट जाएगा, 36 से नहीं कटेगा। फिर 180 देखो, 180 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो आपने 180 ले लिया, ये तो 6 बार में पूरा पूरा चल जाएगा। देखो अगर हम 36 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 6 से कर लेंगे 30 आएगा, तो कुल मिला के 180। तो इसको याद रखना हमेशा के लिए, ये बहुत पूछे जाते हैं, यही सारे आपके आते हैं, तो यहाँ पे आपका 5 बार में आ जाएगा और ये आपका जो हो जाएगा 4 बार में आ जाएगा। तो आपने बस सब कुछ आपको पता ही चल गया, 180 आपका टोटल काम है और ए प्लस बी प्लस सी आप देखते हो 6 4 10 5 15 15 से इसको भाग कर दोगे तो 15 1 15 बचेगा 3 15 2 30, तो क्या आ जाएगा 12 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब समझ लो ये टाइप नंबर 2 है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसको ध्यान से देखना कैसे हम करेंगे। देखो यहां पे ध्यान से देखना, कहते हैं वे एक साथ काम शुरू करते हैं, कुल मिला के ए और बी स्टार्टिंग में तो एक साथ मिलकर काम उन्होंने शुरू किया होगा, 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो यहां से एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि भाई 8 दिनों के बाद ए ने छोड़ा होगा तो कम से कम 8 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो 8 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ये आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही 8 दिन दोनों ने जितना मिलकर काम किया होगा उसको आप टोटल काम से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका क्या बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, शेष कार्य बच जाएगा। अब इस शेष कार्य को कहते हैं कितने दिनों में पूरा होगा। अब इस शेष कार्य को करेगा कौन, भाई ए ने तो छोड़ दिया, इस शेष कार्य को बी करेगा, तो आप बी की क्षमता से भाग करके आंसर अपना निकाल लोगे। तो इसको देखो कैसे करेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम आपने लिया 60 आया, 20 को 60 से भाग किया तो क्षमता उसकी 3 आ गई और बी की क्षमता आपकी 2 आ गई। कहता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ए प्लस बी इनका 8 दिन का काम निकालो। काम निकालने के लिए क्या करते हो, क्षमता दोनों की 3 और 2 5 और कितने दिन की, 8 दिन। भाई इसी तरीके से तो आपको काम पता चलेगा ना, अभी मैंने बताया था काम बराबर क्षमता इंटू समय, तो 40 काम इन लोगों ने कर लिया। अब 60 काम टोटल था, उसमें 40 तो हो गया, बचा कितना काम, 20। ये 20 क्या हुआ, शेष काम हुआ। कहते हैं ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा। अच्छा ये जो 20 काम है ये करेगा कौन, ए तो चला गया, तो इस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी इस काम को करेगा तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेगा, उसकी क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से आप भाग कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन, मतलब 10 दिनों में शेष काम हो जाएगा। इस बात को समझ गए। बाय चांस आपसे पूछता कि पूरा काम कितने दिनों में हो गया, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 10 दिन जो है बी ने काम किया और दोनों ने मिलकर के 8 दिन काम किया था, तो अगर टोटल पूछता तो 10 और 8 18 दिन में ये काम हुआ होता। बात को समझ रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। कहते हैं राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ा, कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ। अब देखो यहां पे आपसे कुल कार्य पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कुल कार्य पूछ दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इसको, आप यहां पे लिखोगे राम ने 10 दिन में काम किया, ठीक है, और मोहन उसी काम को करते हैं 15 दिन में, तो 10 और 15 का एलसीएम आप 30 निकालोगे, 10 या 30 15 दुनी 30, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। तो पहले तो इन दोनों का 3 दिन का काम निकालोगे तो इनकी मिलाकर के क्षमता कितनी आएगी, मिलाकर की क्षमता 5 आएगी और 3 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 काम हो जाएगा,
अब 30 में आप 15 घटा दोगे तो ये आपका शेष काम बचेगा। ये काम क्या बचेगा? शेष काम बचेगा, ठीक है। शेष काम ये बचा 15 और राम ने छोड़ दिया, तो इस शेष काम को करेगा कौन? इस शेष काम को करेगा मोहन। तो 15 काम मोहन अपनी क्षमता से करेगा 2 के हिसाब से। तो यहां पे कितना आया? 7 सही, 1/2 दिन, इतने दिन मोहन को लगेंगे। और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था? 3 दिन काम किया था। तो यहां पे उसने पूछा कुल कार्य कितने दिनों में होगा, तो 3 + 7 सही 1/2 जोड़ोगे तो ये आपस में जोड़ लेते हैं 10, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं। तो 10 सही 1/2 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। तो 10 सही 1/2 आपको ऑप्शन ए में दिया है। बाई चांस अगर आपसे पूछता कि मोहन या फिर शेष काम कितने दिनों में होगा, तो इतने दिनों में होगा, लेकिन उसने कुल काम पूछा है, इसलिए जो साथ में मिलके इन्होंने 3 दिन जो काम किया था उसको और इस मोहन वाले का समय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे आपस। बात को समझ गए होंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। कहते हैं राजू किसी काम को 15 दिनों में, जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। अब देखिए राजू किसी काम को क्या कर रहा है? 15 दिन में करता है, तो हम यहां पे राजू लिख लेते हैं। राजू ने किसी काम को 15 दिन में कर लिया और रिंकी किसी काम को 25 दिन में कर लेती। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो, तो 25 + 75, 15 + 75, 75। 15 से 75 को भाग किया, ये इसकी राजू की क्षमता निकल आई, और 25 से इसको भाग के ये रिंकी की क्षमता निकल आई। कहते दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। तो पहले तो दोनों का 5 दिन का काम निकालो, दोनों की क्षमता होगी 8, मिला करके 5 दिन काम करेंगे, 8 की क्षमता से 40 काम हो जाएगा। तो शेष काम अब देखो 75 में से 40 काम चला गया, तो 35 काम शेष बचा। अब काम रिंकी ने छोड़ दिया, शेष कार्य के दोगुने को राजू कितने दिनों में पूरा कर, शेष काम कितना है? 35, तो इसका दोगुना कितना होगा? इसका दोगुना होगा 70। तो इस 70 काम को कौन करेगा? राजू करेगा, क्योंकि रिंकी ने छोड़ दी। तो राजू अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा, 5 के हिसाब से, तो 5 से आप भाग करोगे 14 आ जाएगा। कुल मिला के 14 दिन में राजू बचे हुए काम को कर डालेगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा? सिंपल सा है, बस 3 लोगों का ले लिया गया है। तो ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर लेता है। इनका एलसीएम अभी बताया मैंने आपको, 180 होगा। तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा, 5 × 15, 5 × 31, 180, तो ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 × 16, 4 × 5, 20। हाँ अब क्या कह रहा है? एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद क्या किया? ए ने छोड़ दिया। तो कुल मिला के 9 दिन इन्होंने मिलकर के काम किया, तो 6 × 4 = 10, 5 = 15, तो इतना काम इन्होंने मिलकर किया, तो 9 × 45, 9 × 1 = 9, 4 = 13, 15 × 9 = 135 होता है। 135 काम इन्होंने कर डाला। अब 180 में से 135 काम अगर कर डाला, तो आप सभी को पता होना चाहिए 45 काम क्या होगा? ये बचेगा, ये शेष काम है। अब ये शेष काम करेगा कौन? ए तो चला गया, थे कितने लोग? ए यहां पे चला गया, बी और सी, तो शेष काम करेंगे बी और सी मिलकर के। इनकी क्षमता कितनी है? 5 और 4 मिलाकर के 9, मतलब इस 45 काम को 9 की क्षमता से बी और सी करेंगे, तो कर डालेंगे 5 दिन में, 9 × 45, 5 दिन में कर डालेंगे, जो इसको ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए की जगह सी आ गया। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है, जबकि सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। फिर इनकी क्षमता, मतलब कुल कार्य कितना हुआ? 180, ये 6 आया, ये 5 आया, ये 4 आया, ये क्षमता निकल आई सबकी। ए और बी, अब यहां पे तीनों ने मिलकर काम शुरू नहीं किया है, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया,
तो भाई ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया तो 5, 6, 11 की क्षमता से काम करना शुरू किया होगा और 9 दिन तक इतना काम कर डाला होगा। तो इन्होंने 99 काम क्या किया, कर डाला। तो शेष काम कितना बचा, 180 से उन्होंने 99 काम तो कर ही डाला, 10 से 9 1, और यहाँ पे 10 से 9 1 आ जाएगा और 17 से 9 आपका 8 आ जाएगा। तो 81 काम अभी बचा है। अब ये ए चला गया, ए की जगह कौन आ गया, सी आ गया, तो बी तो लगा रहेगा ना, बी तो गया नहीं, तो बी की जगह सी आ गया, मतलब ए की जगह सी आ गया, तो बी और सी मिलकर के ये 81 काम करेंगे। तो बी की क्षमता कितनी है, 5, और सी की क्षमता कितनी है, 4। तो ये 81 काम जो है वो 9 की क्षमता से किया जाएगा। तो कितने दिनों में हो जाएगा, 9, 9, 81, 9 डेज में। लेकिन उन्होंने पूछा है सी गया तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो 9 दिन तो इन लोगों ने किया और 9 दिन ये वाला किया गया था, तो पूरा काम तो 18 दिन में किया जाएगा, समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 18 डेज इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए किसी कार्य को 18 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने के से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया। देखो ये भी एक आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे देखो पहले वाली बात कर रहा है कि पहले कार्य छोड़ दिया, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो कार्य पहले, अभी मैं आपको बताता हूं उसी हिसाब से फिर खूब सारे क्वेश्चन इस पे कराऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। देखो ध्यान से देखना, ए किसी कार्य को 18 दिनों में करेगा, बी क्या करेगा, बी उसी काम को 24 दिनों में करेगा, तो ए बी ही है ना, बाकी तो है नहीं कोई, हाँ ठीक। तो 18 और 24 आपका आ गया 72 इसका एलसीएम, तो 18 चौको 72 और 24 3 72, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे ध्यान देना, कहता है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो जो पहले वाला हो, जिसने काम पहले छोड़ा हो, तो उसको आपको जाने नहीं देना है। बी ने 4 दिन पहले छोड़ा है ना, बी ने, तो बी का 4 दिन का काम निकालो। देखो बी की क्षमता 3 है तो वो 4 दिन में 3 के हिसाब से 12 काम कर लेगा, कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। अब इस 12 वाले काम को इस वाले काम में जोड़ दिया करो, 84 हो गया, ये आपका बन गया टोटल काम, टोटल वर्क, और टोटल वर्क आप जो जा रहा था उसको भी नहीं जाने देना है, इन दोनों से मिला के काम करवाना है। तो ये 84 काम दोनों 7 की क्षमता से करेंगे एक साथ मिलकर के, तो 12 आ जाएगा, तो कुल काम 12 दिन में हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी। तो यहां पे आपका एक पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि जो पहले वाले क्वेश्चन, आप देखना ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में जो जाए उसे जाने नहीं देना है, उसे जाने नहीं देना है, उसे जाने नहीं देना है, उसके काम को कुल काम में जोड़ना है, उसके काम को कुल काम में जोड़ना है, और सभी से काम कराना है, सभी से काम कराना है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है। अब ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने और आएगा, फिर आप चीजें समझ जाओगे, देखना। कहता है ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो ये भी 5 दिन पहले कार्य होकर चला गया, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया, ये भी बताना बहुत आसान है। देखो ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, तो 16 और 12 का एलसीएम आप 48 ले लेंगे, 16 3 48, 12 6 48। कहते हैं ए कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, और चला गया कितने दिनों तक उन्होंने 7 काम किया। देखो कितने दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, अगर ये आपको पता करना है तो टोटल काम तो आपको पता ही होना चाहिए, टोटल काम आपको पता होना चाहिए। अब बी काम छोड़कर जा रहा है, ए काम छोड़कर जा रहा है, तो अभी आप कर लोगे। तो
तो यहाँ पे आपने देखा कि ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो ए का 5 दिन का काम कितना होगा, 3 की क्षमता के हिसाब से 15 हो जाएगा। तो इस काम को आपको 48 में जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 63। ये आपका टोटल काम हो गया। अब इस टोटल काम को ए और बी दोनों से हम कराएंगे तो 4 3 7 की क्षमता से कराएंगे तो 9। तो कुल मिला के टोटल समय जो लगा, टोटल टाइम जो लगा आपको, वो 9 दिन लगा। कितना लगा? 9 दिन का समय लगा टोटल। और 5 दिन पहले ए ने क्या किया था, छोड़ दिया था काम, 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। टोटल काम 9 दिन चला और 5 दिन पहले क्या किया है, यहां जैसे ये काम होने वाला है तो 1 2 3 4 5 यहां पे ए ने छोड़ दिया, तो इसके पहले जो 4 दिन होंगे, 4 दिनों तक ए प्लस बी ने साथ मिलके काम किया होगा। तो भाई 9 से आप 5 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों उन्होंने साथ मिलकर काम किया, तो 5 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया। ठीक है ना, बात को समझ गए? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ए किसी कार्य को 21 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। ए ने किसी कार्य को 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में कुल कार्य हो गया? ये देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो ऐसे ही। भाई ए ने क्या किया, 21 दिन काम किया। बी ने क्या किया भाई, 28 दिन काम किया। तो अब आपको पता होना चाहिए 21 और 28 का एलसीएम कितना आएगा। तो देखो 7 3 21 7 4 28, तो एक बार तो 7 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 4 3 12 12 7 84 84 इसका एलसीएम होगा। तो 4 1 4 4 2 8 4 बार में आएगा, 3 8 24 3 2 6 2 8 84 3 बार में जाएगा। तो ए ने कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो ये पूरा काम कितना हो गया, 84 हो गया। अब ए का 7 दिन का काम आप जोड़ लो तो 4 के हिसाब से करेगा, 4 की क्षमता से 7 दिन, तो 28 काम आपको इसमें जोड़ना है, फिर दोनों से मिला करके काम करा लेना है। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 11 112 बटे आपका 7 आ गया, तो आपका 16 7 112 होता है, तो ये आपका 16 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। अच्छा ये तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, चलो कोई नहीं, इसको मैं ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जैसे आपको यहाँ सॉल्व करा पाऊँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ए किसी काम को 36 दिनों में, ए किसी काम को 36 दिनों में, बी उसी काम को 45 दिनों में, सी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कितने दिनों? तो बहुत ही सिंपल है, आप इनका सबका एलसीएम निकालोगे, कुल काम निकलेगा, फिर सी का 4 दिन का काम इसमें जोड़ दोगे और सबकी क्षमता से भाग कर दोगे, बस। तो देखो ऐसे मैं बता देता हूं कि ए ने 36 दिन, बी ने 45 दिन, सी ने 60 दिन। तो 36 45 60 का एलसीएम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 180 निकलता है। 180 कितना निकलता है? 180 निकलता है। 36 से भाग करोगे तो ए की क्षमता 5 निकलेगी, 45 से भाग करोगे तो बी की क्षमता 4 निकलेगी, 60 से भाग करोगे सी की क्षमता 3 निकलेगी। अब सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 की क्षमता से 4 दिन 12 काम करेगा, तो 12 इसमें जोड़ दो, 192, और सबसे क्या करो, भाग करा लो सबकी क्षमता से, तो 5 4 9 3 12, तो 12 से आप भाग करा लो, तो 192 में 12 से आप भाग करेंगे तो 12 1 12 12 6 72, 16 डेज इसका भी आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहते हैं ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी 90 दिनों में समाप्त कर सकता है। कहते हैं ए बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? सिंपल है भाई, ए का कितने दिन का काम है, 60 दिन का, बी का कितने दिन का काम है, मतलब कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में, सी कर रहा है 90 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम देखो, 90 72 और 60 का एलसीएम हम लेंगे तो 180 तो नहीं आएगा, क्योंकि 180 से ये 180 की अगर हम बात करते तो आपका 18 1 18 10 18 4 72, 4 से आपका 10 नहीं कटता है तो नहीं होगा। अगर हम इसका एलसीएम 360 लेते हैं,
360 से ये कट जाएगा। अच्छा देखो 360 और 72 को ध्यान से देखना, 36 दुना 72, 36 एकम 36, 2 पंचे 10 और बाकी तो 360 90 से तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे आपका 6 बार में जाएगा और यहाँ पे आपका कितना जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 बार में और ये आपका 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को क्या करता है, छोड़ देता है। तो ए का 5 दिन का काम निकालो, ए का 5 दिन का काम, पहले टोटल काम कितना है 360, ए का 5 दिन का काम 6 की क्षमता से कितना निकलेगा 30 निकलेगा, तो 30 इसमें जोड़ दो, बाकी सबकी क्षमता से भाग करा लो, 5 × 6 = 11, 11 × 4 = 15 से भाग करा लो। तो 390 को आप 15 से भाग कराओगे तो 15 × 30 बचेगा 9, 15 × 6 = 90, तो 26 डेज इसका आंसर आएगा जो आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, सी उसी कार्य को 120 दिनों में समाप्त कर लेता है। ए बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो अभी तक एक लोग का बताया जाता था, अब दो लोगों का बता रहा है, कोई बात नहीं। तो देखना, ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में, सी उसी कार्य को 120 दिनों में करता है। तो देखो 80, 96 और 120 की अगर एलसीएम की हम बात करते हैं तो ये इसका एलसीएम आपको ध्यान रखना है कितना आएगा, 480 आएगा। ये आपका 8 × 48 6 बार में जाएगा, 48 दुना 96 होता है, अगर इसको 48 से कट करोगे 10 आएगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 5 बार में जाएगा, 5 × 9 = 45 और 5 × 6 = 30 मतलब 480 और 12 × 6 = 48। अब देखो बी और सी इनकी क्षमता कितनी है 9, 5 दिन पहले काम है, तो 480 में 9 और 5 का मल्टीप्लाई प्रकार के 45 काम आपको जोड़ना है और सबसे काम कराना है तो 15 से ही आपको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका जोड़ने पर 525/15, 15 × 3 = 45, तो 45 और बचेगा 7, 15 × 5 = 75, तो ये आपका 35 डेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, बी ने ए के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे आपको 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, तो यहां पे लिखो ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी किसी कार्य को 36 दिनों में, सी उसी कार्य को 45 दिनों में। अब आपको पता ही चल गया होगा 180 एलसीएम आएगा, तो यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 5 और यहां पे 4। अब ध्यान से देखना, ए किसी कार्य के पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला। देखो जैसे ये आपका काम की सीमा है कि यहां पे काम पूरा हो रहा है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ए यहां पे काम छोड़ के जा रहा है 5 दिन पहले। कहता है बी ए के 2 दिन बाद, मतलब बी ए के 2 दिन बाद यहां पे काम छोड़कर जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था, 5 दिन पहले एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ रहा था, और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ेगा, तो उसने डायरेक्ट ना बोल करके इस तरीके से आपको दे दिया। तो टोटल काम आपका 180 निकला। अब आपका ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 की क्षमता के हिसाब से 30, और बी का 3 दिन का पहले का काम हो जाए, मतलब 3 दिन का काम कितना होगा 5 की क्षमता के हिसाब से, 5 × 3 = 15 होगा कि नहीं होगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, 180 में 30 जोड़ोगे 210 और 210 में आपका 15 जोड़ोगे तो 225 आ जाएगा। और किसी को भी नहीं जाने देना है, सबकी क्षमता से आपको भाग कर देना है 15 से, सबको जोड़ के ना, तो यहाँ पे 15 × 15 = 225 होता है, स्क्वायर होता है ना 15 का, तो 15 डेज इसका लगेगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन ऐसा और देखना अभी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कहता है ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है, तो ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, सी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो पहले तो 180 टोटल काम, ये आपका 5 से 15, 5 से 30, ये 4 और ये 3। अब देखो एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, वही यहाँ पे बना लो, मन में बना लिया करो, या फिर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ए काम यहाँ छोड़कर जा रहा है, ये तो काम यहाँ पे पूरा हो रहा था, ए 5 दिन पहले जा रहा था। कहता है बी ए के 1 दिन पहले, मतलब बी ए के 1 दिन पहले, मतलब यहाँ पे जा रहा है बी। तो अब देखो बी 6 दिन पहले काम छोड़ेगा, ए 5 दिन पहले काम छोड़, बस पता चल गया आपको। तो 180 में क्या करना है, ए का 5 दिन पहले का काम, मतलब 5 दिन का काम, 25 आपको जोड़ना है, और बी का 6 दिन का काम कितना है, 6 दिन पहले छोड़ रहा है तो 6 दिन का काम बी का 24, 4 की क्षमता के हिसाब से, इसको आपको 5, 4, 9, 10, 11, 12 से भाग कर देना है। देखो 5, 4, 9 होगा यहाँ पे, 2, 2, 4 और 8, 4, 12 का 2 हासिल पर 1, तो 229 को आप 12 से भाग करोगे, तो 9, 2, 11, अब भाग कर लो इसको, 12 से आप भाग करो इसको, तो 12 एकम 12 तो जाएगा ही जाएगा, बचेगा 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 12 9 108 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 19 सही 1/2 दिन। तो ये आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 1 था, ये आपका स्पेशली DSSSB के लिए मैं क्लासेस करा रहा हूँ, और DSSSB में आपकी मैथ्स 20 नंबर की कंप्लीट आती है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। साथ में अगर आप DSSSB की ये सीरीज पूरी देखोगे तो इसमें आपका UPTET CTET कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इस क्वेश्चन की PDF आंसर शीट के साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। आप पहले अपने मन से क्वेश्चन करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप ना कर पाए तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।